आज इस वीडियो में जानेंगे पाई नेटवर्क कब लॉन्च होगा, पाई नेटवर्क मोबाइल ऐप से पाई कॉइन ट्रांसफर कैसे करते हैं और दुनिया में लोग पाई नेटवर्क के लिए अभी से क्या तैयारियां कर रहे हैं। मेटा मित्र चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि पाई नेटवर्क क्या है, उसके रोड मैप पर तीन फेज क्या है। अगर आपने मेटा मित्र चैनल के पाई नेटवर्क सीरीज़ के पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें ताकि आसानी से समझ सकें। फिर भी नए दर्शकों के लिए एक बार बहुत शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। पाई एक आने वाली क्रिप्टो करेंसी है जिसे आप मोबाइल से माइनिंग कर सकते हो, यानी मोबाइल से ही बिना पैसे खर्च किए या इन्वेस्ट किए फ्री में बना सकते हो। हालांकि अभी तक पाई नेटवर्क कॉइन ओपन मार्केट में लेन देन के लिए लॉन्च नहीं हुआ है, फिर भी अभी इसकी माइनिंग चालू है। पाई के तीन फेज में से तीसरा फेज मेन नेट है। उसका मतलब जब पाई नेटवर्क कॉइन इस दुनिया में क्रिप्टो एक्सचेंज में लिस्ट हो जाएगा तब लोग इसकी ट्रेडिंग, आपस में लेन देन और खरीदारी पाई कॉइन का उपयोग करके कर सकेंगे। अभी एनक्लोज्ड मेन नेट लॉन्च हो गया है जिसमें सभी अलग अलग देशों से कुछ सिलेक्टेड लोगों को एनक्लोज्ड मेन नेट में शामिल किया गया है। इन सबका KYC वेरिफिकेशन हो जाने के बाद सब कुछ टेस्टिंग करके आगे बढ़ते हुए ओपन मेन नेट या पब्लिक मेन नेट में लाया जाएगा। उसके बाद पाई नेटवर्क कॉइन एक रेगुलर क्रिप्टो करेंसी बन जाएगी। अभी जो लोग KYC वेरिफिकेशन करवा चुके हैं वो लोग इसका लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं पाई कॉइन रियल में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। यहाँ पाई एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र मेनू पर क्लिक करके जिसको पाई कॉइन भेजना है उसका यूज़र आईडी टाइप करना होता है और उसके नीचे जितने पाई कॉइन भेजने हैं उतना अमाउंट एंटर करें और फिर कुछ रीज़न या रिमार्क्स डाल के सेंड बटन पर क्लिक करने से ये रिसीवर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। जिस तरह लोग अभी गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक उसी तरह ये लेन देन का ट्रांजेक्शन होता है। अभी सिर्फ पाई कम्युनिटी इकोसिस्टम के अंदर ही इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरी क्रिप्टो करेंसी की तरह इसे ओपन मार्केट में ट्रेड और एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है, फिर भी दुनिया में इसका क्रेज़ ज़बरदस्त बढ़ता जा रहा है। आइए देखते हैं लोग कैसी कैसी तैयारियाँ कर रहे हैं। पाई कॉइन से कार भी खरीद सकते हैं। पाई कॉइन से ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं और दुनिया में यहाँ दिखाई गई वेबसाइट पर होटल या रूम बुक करवा सकते हैं। अभी से मॉल जैसी कुछ वेबसाइट भी बन रही है जिसमें पाई कॉइन से ऑनलाइन खरीदारी भी होगी। पाई कॉइन से फ्यूचर में ऐसे ऑनलाइन लैपटॉप भी खरीदा जा सकता है, लोग ऑनलाइन मोबाइल भी खरीद सकेंगे। दोस्तों, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये पाई नेटवर्क कॉइन कब लॉन्च होगा। तो अभी एनक्लोज्ड मेननेट में सब कुछ ठीक तरीके से ट्रांजैक्शन होने लगेगा और सब कुछ क्रिप्टो मार्केट के अनुसार हो जाएगा, तब इसे रूल्स और रेगुलेशन के मुताबिक सारी जरूरी परमिशन लेकर इसे लाइव कर दिया जाएगा। लाइव होने के बाद इसे दुनिया के बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाएगा। इसके बाद ये पाई कॉइन भी सभी क्रिप्टो करेंसी की तरह ट्रेडिंग के लिए यूज होने लगेगा। एक अनुमान के अनुसार पाई नेटवर्क कॉइन का ऑडिटिंग, ब्लॉकचेन सर्टिफिकेशन और कुछ ज़रूरी परमिशन के बाद 28 जून 2022 तक या उसके बाद पाई नेटवर्क कॉइन पूरी तरह से लॉन्च कर दिया जा सकता है। हालांकि यह कोई फिक्स तारीख नहीं है, यह सिर्फ एक अनुमान है। हमें असल तारीख जानने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा।
तो अभी तक आपने पाई कॉइन की माइनिंग स्टार्ट नहीं की है तो इस मेटामित्र चैनल की पाई नेटवर्क सीरीज का पहला वीडियो देखकर शुरू कर सकते हैं। तो नया नया सीखते रहे और मित्रों को सिखाते रहे। मेरा मित्र मेटामित्र। जय हिंद, जय भारत।